हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने अपने हेयर को कलर किया है और मैंने अपने हेयर को कैसे कलर किया है तो आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और देखिए मेरे हेयर कितना सुंदर कलर आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ने हाइट और अपने हेयर को थोड़ा कटिंग भी करवाई हूँ, देखिए इतना छोटा लेंथ हो गया। तो चलिए वीडियो देखिए मैंने अपने हेयर का कलर कैसे किया है। ठीक है गाइज, आप लोग पहले देख ले मेरे हेयर का लेंथ थोड़ा छोटा हो गया और कितना सुंदर कलर आया है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। ठीक है, देखिए मैं पीछे आपको फिर से अपने हेयर को दिखाती हूँ कितना सुंदर हेयर का कलर आया है। तो गार्नियर का छोटा कलर ही बरगंडी कलर मैंने मंगाया था और इसे ट्राई किया। चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे क्रिएट किया। ठीक है, हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि अभी सुबह के 6 o'clock हुए हैं और मैं रात 3 बजे से उठी हुई हूँ और मेरी बेटी मुझे सोने नहीं दी, इसलिए आप देख सकते हैं मेरा आँख कितना ज़्यादा फुला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मैं बताती हूँ कि आज मैं आप लोग को गार्नियर का हेयर कलर का रिव्यू प्लस डेमो दिखाने आई हूँ। मैंने जो हेयर हाईलाइट की थी तो आप लोग को बहुत ही पसंद आया। तो मैं अपने हेयर पे हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कुछ कुछ अलग अलग कुछ कुछ ट्राई करती रहती हूँ। मेरा हेयर का कलर ओरिजिनल बहुत ज़्यादा ही ब्लैक है तो मैं हमेशा कुछ कुछ दिन पे अपने हेयर के कलर को चेंज करती रहती हूँ। आज मेरा मन किया कि मैं अपने हेयर को बरगंडी कलर से कलर कर दूं तो इसलिए मैंने एक छोटा सा गार्नियर का हेयर कलर मंगवाई हूं। तो मैंने सोचा कि आप लोग ने हेयर हाईलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था आपने मेरे वीडियो को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर कलर का भी आपको रिव्यू प्लस डेमो बताया जाए। पहले बता देती हूँ, देखिए इस तरह के छोटे से डिब्बे में आता है। मेरा सेट नंबर है 3.16 बरगंडी कलर, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि ये अमोनिया फ्री है, ये परमानेंट हेयर कलर है, ठीक है। और इसमें 3 ऑयल मिक्स करके इसमें कंडीशनर भी है जो कलर को आपके हेयर के जो कलर है उसको लॉक करेगा, ठीक है। और आपके हेयर को सिल्की शाइनी और सॉफ्ट बनाएगा और जो ग्रे हेयर है मतलब जो व्हाइट हेयर है उसको कवर करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहता है, डेवलपर रहता है और कलर रहता है, कंडीशनर रहता है और ग्लोव्स रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ। ये छोटा सा मैंने 69 रुपीज में ली हूँ जिसमें 11 रुपीज ऑफ है, लोकल मार्केट से मंगवाई हूँ। ये डेवलपर है, ठीक है, और ये कलर है और इसके अंदर ग्लॉव प्लस कंडीशनर है। तो ये डेवलपर और कलर को पूरा इसमें डाल देना है एक प्लास्टिक के कटोरी में और ये और कंडीशनर इससे जब हम शैम्पू करेंगे तो लगाना है जिससे ये कंडीशनर आपके जो हेयर के कलर है उसको लॉक करेगा। इसमें आपने देखा था कि स्ट्रिक्स के हेयर कलर में आपको बॉल भी मिला था, प्लास्टिक का और हेयर ब्रश भी मिला था, इसमें वो चीज़ नहीं है। ऐसे भी 69 रुपीज में आपको क्या क्या उम्मीद रखेंगे, देखिए मैं अब मिलाती हूँ इसे। पहले मैं इसे उल्टा करके इसको इस तरह से घुमाऊंगी, ठीक है। खोलने के बाद गाइज इसे एक बार में ही ख़त्म कर लें, नहीं तो रखने के बाद आप सोचिएगा थोड़ा थोड़ा तो वो कलर फिर आपका अच्छे से नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ये छोटा सा ही मंगवाई हूँ क्योंकि मुझे जितना ज़रूरत है इतना में हो जाएगा। अब इसे मैं पूरा इस बॉल में डाल देती हूँ, ठीक है, और को भी पूरा डाल देना है, ठीक है। ग्लॉव्स दिया हुआ है, मैं उसे पहन लेती हूँ और जो कंडीशनर है वो मैं रख देती हूँ, जब मैं नहाऊंगी तो यूज करूंगी। आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ फिर से अपने बाथरूम में और मैं ग्लॉव्स को पहन रही हूँ। अच्छे से मिक्सअप करना है, अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश की सहायता से कर लें, मेरे पास फिलहाल ब्रश नहीं है तो मैं अपने फिंगर टिप से ही। पहले क्या है, दो बाल दो भागों में अपने हेयर को बांट लेती हूँ और छोटे छोटे बाल की सेक्शन लेके इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ।
इस तरह से मैं अपने हेयर को छोटे छोटे सेक्शन में बांटकर छोटे छोटे पार्ट्स लेकर अपने पूरे हेयर पे वो नीचे ऊपर से नीचे की ओर लगा रही हूँ, जड़ पे नहीं लगा रही हूँ। ये चीज़ ध्यान रखें, जड़ को छोड़कर बाकी अच्छे से अप्लाई करें पूरे हेयर पे वन बाय वन करके। अब जो बाकी थोड़ा बहुत बचा है ऊपर में अच्छे से कवर कर दें। और उसके बाद मैं जूड़ा बना रही हूँ, देखिए मैं अपने हेयर को कितने अच्छे से पूरे में लग चुका है। अब मैं इसे एक हाई बन बना लूँगी। इस तरह का शेप लेके और इसे 30 मिनट के लिए घड़ी देखकर रखना है। फिर 30 मिनट के बाद फिर बाल को शैम्पू कर लेना है, ठीक है। 20 मिनट हेयर पे अप्लाई करके हो गया है। अब 10 मिनट रखना है। तो जैसा कि आपने सभी जानते हैं, जब भी मैं कुछ हेयर पे अप्लाई करती हूँ तो फेस पे भी अप्लाई करती हूँ, तो ये मैं ली हूँ दही, घर पे जमा हुआ दही जिसमें मैंने मिल्क पाउडर देकर जमाई थी। तो मिल्क पाउडर भी आपकी स्किन को बहुत ही अंदर से डीपली क्लीन करता है, वाइट एंड टोन करता है, आपकी स्किन की जो कलर टोन है उसे वाइट बनाता है। और दही तो आप जानते हैं आपके फेस को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, स्मूथ बनाता है, सिल्की शाइनी बनाता है। और टर्मरिक का तो आप जानते हैं फेस के जितने भी डार्क सर्कल है, दाग धब्बा है, पिगमेंटेशन है, चाहे वो सनबर्न का हो, चाहे वो कोई तरह का भी गंदगी है या कालापन है, वो सभी को रिमूव करके आपके फेस को एक अच्छा इवन टोन देता है। तो मैं दही और हल्दी पाउडर को, ये कस्तूरी हल्दी है जो मार्केट में अवेलेबल है, कस्तूरी हल्दी नॉर्मल हल्दी से ज़्यादा बेटर होता है, आपके स्किन को ज़्यादा फेयर बनाता है। तो मैं हल्दी और दही को अच्छे से मिक्सअप करना है। दही थिक होना चाहिए तभी आपके फेस पे अच्छे से एक थिक लेयर अप्लाई हो पाएगा। और मैं इसे 10 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, फिर हेयर को धो लूँगी, ठीक है। इसे देखिए, तरह से मैं अपने पूरे फेस पे दही हल्दी का पैक लगा रही हूँ। इससे हमारा स्किन एकदम इंस्टेंट फेयरनेस आएगा, सारे दाग धब्बे रिमूव होंगे और मेरा स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट कंप्लीट हुए और मैं अपने हेयर और फेस को क्लीन अप करने जा रही हूँ, ठीक है। तरह से मैंने अपने पूरे फेस को पहले अच्छे से क्लीन किया, फिर अपने हेयर को पूरे तरह से नीचे करके अपने बाल को अच्छे से पहले नॉर्मल वाटर से धोई, उसके बाद मैं शैम्पू से अपने हेयर को अच्छे से वॉश की और वो जो कंडीशनर था मैं अप्लाई की। अब आप देख सकते हैं मेरा हेयर कितना सुंदर कलर आया है, एकदम बरगंडी कलर, और कितना सिल्की शाइनी हो गया, क्योंकि इसमें अमोनिया फ्री होता है और आपके हेयर को एकदम सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाता है। देखिए कितना सुंदर हो गया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। बाय बाय।